स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए मैं यहाँ पे पॉन्ड्स मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद एज ए प्राइमर मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम डेली मेकअप कर रहे हैं तो डेली मेकअप में अगर आप एलोवेरा जेल का यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन की जो डैमेज होती है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे लैक्मे का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और इस फाउंडेशन को मैं अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लैक्मे का रोज़ पाउडर, आप चाहें तो कॉम्पैक्ट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने किसी भी आई शेडो का यूज़ नहीं किया हुआ है, बहुत ही सिंपल मेकअप लुक मैंने रखा हुआ है न्यू ब्राइड के लिए। और साथ ही ये विंटर स्पेशल भी है, तो जैसा मैंने आपको बताया आप एलोवेरा जेल का यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन का डैमेज भी नहीं होगा, साथ ही आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। यहाँ पर मैं लाइट पीच कलर का ब्लश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ठंडियों के सीजन में ब्लशिंग अच्छी लगती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिपस्टिक अप्लाई करा हुआ है, तो बहुत ही सिंपल एंड कम मेकअप प्रोडक्ट में आप इस तरह से ससुराल में अपना रोजाना मेकअप कर सकते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेंगे। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल होगी, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।